हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में हम आज टेलर सीरीज पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि टेलर सीरीज कैसे जनरेट होती है। ये आपकी जो लैग्रांज थ्योरम है उससे जनरेट होती है, ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट होता है ये, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टेलर सीरीज ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। तो ये टू वेरिएबल फंक्शन के लिए भी होती है और वन वेरिएबल फंक्शन के लिए भी होती है, दोनों के लिए होती है ये। तो आज हम वन वेरिएबल फंक्शन के लिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी कोई भी फंक्शन है जैसे f ऑफ x, ये इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्या इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम इसको किसी x बराबर a के अराउंड इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस फंक्शन को, कैसे, f ऑफ a प्लस f डैश a इंटू एक्स माइनस ए प्लस f का टू टाइम डेरिवेटिव एट पॉइंट a बाय टू फैक्टोरियल और x माइनस a का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 f का n टाइम डेरिवेटिव एट पॉइंट a डिवाइड बाय n फैक्टोरियल x माइनस a की पावर n, और ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। अगर यहाँ पे अगर आप चाहते हो रिमाइंडर फाइंड करना तो आप यहाँ पे कोई पॉइंट ए नहीं आएगा, फिर कोई पॉइंट सी आएगा, ठीक है। अगर ए के राउंड कर रहे हो, टेलर सीरीज चला रहे हो, तो ये तो फुल इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंशन है, इसको याद कर लीजिए, ये हर जगह आपके काम आएगा। आप कोई भी फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हो, एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख सकते हो। चलो अभी कुछ एग्जाम्पल लेके हम इसको वो करते हैं, कुछ एग्जाम्पल की सीरीज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं e की पावर x, इसका एक्सपेंशन देखते हैं अराउंड x बराबर a, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, प्रसार क्या होगा, किसी भी फंक्शन का हम प्रसार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, e की पावर x यानी कि f ऑफ x, ये हमारा e की पावर x है, f ऑफ x, ठीक है। तो पहले f ऑफ a वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि e की पावर a, ये कुछ भी हो सकता है, वन ले लो, वन ले के देखो या टू ले लो, ठीक है। ये तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो मैं इन जनरल टू ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हम टू के राउंड करेंगे, x बराबर टू के राउंड। तो e की पावर x को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a यानी कि f ऑफ टू यानी कि e की पावर टू प्लस इसका डेरिवेटिव, f का डेरिवेटिव क्या होगा, f का डेरिवेटिव एज इट इज रह जाएगा, e की पावर x ही रहेगा। तो e की पावर 2 इसका डेरिवेटिव यानी कि f ऑफ x इसकी वैल्यू करनी है a पे यानी कि 2 पे यानी कि e की पावर 2 और x माइनस 2 और प्लस, फिर एक बार और डेरिवेटिव करोगे f डबल डेरिवेटिव x, तो ये भी सेम ही रहेगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव कितनी बार भी कर लो यही आने वाला है। तो इसकी वैल्यू e की पावर 2 ही रहेगी हर बार, e की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर 2 बाई n फैक्टोरियल x माइनस 2 का पावर n, और ये चलती जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसको, e की पावर x को x बराबर 2 के अराउंड। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो e की पावर 2 हर जगह कॉमन आ रहा है, e की पावर 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 की स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 x माइनस 2 की पावर n बाय n फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलती जाएगी। तो ये हम सीरीज एक्सपेंशन लिख दिया इसका, और इसको आप सम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे e की पावर 2 तो बाहर लिख दिया, इसको समेशन लगा के लिख सकते हो, क्या, x माइनस टू की पावर n और डिवाइड में n फैक्टोरियल और n कहां से कहां, जीरो से, ये देखो n की वैल्यू जीरो पुट करते हैं यहां पे वन और जीरो का फैक्टोरियल वन, तो यहां पे जीरो से स्टार्ट होगी इसकी पावर, ठीक है, यानी कि जीरो से इंफिनिटी तक। तो e की पावर x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना, ओके। ये तो हो गया हमारा e की पावर x का एक्सपेंशन। अभी हम मैकलरन सीरीज और देख लेते हैं साथ ही,
कि थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो मैकलेन सीरीज या एक्सपेंशन। तो कोई भी टेलर सीरीज है उसमें अगर जिसके राउंड हम कर रहे हैं वो जीरो, ठीक है, जीरो के राउंड किसी भी फंक्शन का अगर एक्सपेंशन हो तो उसको, उस सीरीज को हम मैकलेन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, टेलर सीरीज में यदि एक्स बराबर सॉरी ए बराबर जीरो हो तो उस टेलर सीरीज को हम मैकलन सीरीज बोलते हैं, ये आप लिख सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो बाई वन फैक्टोरियल और एक्स ओ प्लस एफ का टू टाइम डेरिवेटिव एट जीरो बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर ओ प्लस डॉट 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 एफ का एन टाइम डेरिवेटिव एट जीरो बाय एन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन, और ये प्लस चलती जाएगी। तो ये हमारा मैकलेरन सीरीज होती है ये वाली। ठीक है, चलो ठीक है। अभी वही फंक्शन ई की पावर एक्स लेते हैं और इसकी मैकलेरन सीरीज फाइंड करते हैं। ई की पावर एक्स लिया, इसकी मैकलेरन सीरीज यानी कि ई की पावर, यहां पे एफ ऑफ जीरो यानी कि e की पावर जीरो यानी कि वन, इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ले लिया, इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहेगा और इसका डेरिवेटिव करें जीरो लेंगे तो वन यानी कि वन रहेगा यानी कि एक्स, और फिर इसका टू टाइम डेरिवेटिव ई की पावर एक्स जीरो रखते वन आ गया, टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर वन बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब और प्लस डॉट 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 एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल ओ प्लस डॉट 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 चलती जाएगी, यानी कि समेशन एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये होती है ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये मैकलेरन सीरीज एक्सपेंशन है। ठीक है, ओके। और फिर मान लो साइन का करना है अपने को, साइन एक्स का प्रसार चाहते हैं, यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो तो साइन एक्स है तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव्स निकाल लो, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कोस एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स, और एफ का चार टाइम डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि साइन एक्स प्लस का, और ये ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका एक्सपेंशन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो के राउंड चाहते हैं, मैकलेरन सीरीज चाहते हैं इसकी। ठीक है, तो जीरो के राउंड करते हैं तो एफ ऑफ जीरो रख दो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो पहले वाले टर्म जीरो गायब नहीं आएगी। फिर हम करते हैं एफ डैश एट जीरो पे वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, और इंटू में क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, फिर एफ डबल डेरिवेटिव एट जीरो, साइन है जीरो हो गया, छोड़ो नहीं आएगी। फिर थर्ड टर्म सॉरी क्यूब वाली टर्म एफ ट्रिपल डैश जीरो पे क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, तो यहाँ पे आप माइनस वन बाई तीन टाइम है डेरिवेटिव तो थ्री फैक्टोरियल और एक्स क्यूब, फिर क्या आता है फोर टाइम डेरिवेटिव, फोर टाइम जीरो पे जीरो आ गया क्योंकि साइन जीरो जीरो पे होता है, तो फाइव टाइम क्या आएगा, एफ फाइव इज इक्वल टू कोस एक्स आएगा, तो ये वन आ गया, तो वन बाई फाइव फैक्टोरियल और एक्स की पावर फाइव। तो फिर आगे अगले वाली सेवन आएगी, देखो इवन तो आई नहीं रही, ओड आ रही है, वन थ्री फाइव, फिर क्या आएगी, सेवन आएगी और नेगेटिव आएगा क्योंकि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव वन बाई सेवन फैक्टोरियल एक्स की पावर सेवन, फिर पॉजिटिव आएगा वन बाई नाइन फैक्टोरियल एक्स की पावर नाइन, फिर माइनस आएगा वन बाई इलेवन फैक्टोरियल एक्स की पावर इलेवन और प्लस, ये चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, समझ रहे हो ना। तो यहां से आप ये लिख सकते हो, ये ओड टर्म आ रही है ना, तो समेशन एक्स की पावर ओड टर्म यानी कि टू एन प्लस वन, ठीक है, क्या टू एन प्लस वन बाई सेम क्वांटिटी का नीचे फैक्टोरियल यानी कि टू एन प्लस वन का फैक्टोरियल, ओके। और
एन कहां से वेरी कर रहा है, एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे वन आ जाएगा, नहीं एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे एक्स आ जाएगा, और एक्स हमें चाहिए, एक्स हमारी सीरीज में है, तो एन इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर दो, जीरो से इंफिनिटी तक। अब साथ में एक माइनस और आ रहा है, वो कौन सी टर्म के साथ आ रहा है, क्यूब वाली के साथ, सेवन वाली के साथ, इलेवन वाली के साथ, ऐसे आ रहे हैं। तो आप करोगे 4n माइनस वन कर दो, ठीक है, तो 4n माइनस वन मत करो क्योंकि फिर यहां पे जीरो पुट करोगे तो माइनस वन आ जाएगा, है ना, तो आप इसको करो 4n प्लस थ्री करो, जीरो से स्टार्ट करनी है, ठीक है, इसको 4n माइनस करना, हम देखा यहाँ पे n इज इक्वल टू जीरो पुट करना, जीरो पुट करते ये थ्री आ जाएगा, यानी कि ये देखो थ्री वाली पे, सॉरी 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 मैंने मिस्टेक की क्या, माइनस वन की पावर n की वैल्यू जीरो, n की वैल्यू वन, n की वैल्यू टू, n की वैल्यू थ्री, अच्छा सीधा ही करना है, कुछ नहीं करना, माइनस वन की पावर n कर दो, ठीक है। अब देखो n इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यहां जीरो पुट करते वन हो गया, ये जीरो पुट किया तो x रह गया, और जीरो पुट किया तो ये वन फैक्टोरियल वन आ गया, x आ गया, पहले टर्म आप खोल के देख लो इसको, ठीक है, जीरो पुट किया तो यहां से आ गया x, फिर देखो x n की वैल्यू वन पुट करो तो वन पुट करोगे तो यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल, और यहाँ पे वन पुट किया माइनस वन आ गया, तो माइनस सॉरी x की पावर थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल, फिर n की वैल्यू टू पुट करोगे, टू पुट करोगे तो यहाँ पे फाइव, यानी कि x की पावर फाइव, और नीचे फाइव फैक्टोरियल, और यहाँ पे टू पुट करोगे तो प्लस वन हो गया, फिर थ्री पुट करोगे n की वैल्यू, थ्री पुट करोगे तो माइनस हो जाएगा, और थ्री पुट को तीन दो छह एक सात, एक्स की पावर सात बाई सात फैक्टोरियल, ये चलती जाएगी, ठीक है, तो बन रही है ना सेम सीरीज, तो यहाँ पे ये हमारा सम सीरीज, यानी हमारी जो साइन सीरीज है उसका समेशन रूप हम लिख सकते हैं, ओके चलो ठीक है। अभी सिमिलरली ये तो मैकलन सीरीज होगी, और इसकी मान लो टेलर सीरीज फाइंड करनी हो तो किसी भी पॉइंट के अराउंड, तो यहाँ पे x माइनस a लिखोगे, x माइनस a लिखोगे, और ये वैल्यूज पुट करते जाओगे, साइन a कोस a, साइन a माइनस कोस a, साइन a कोस a, और डिवाइड में वो फैक्टोरियल 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 फैक्टोर आता जाएगा, लिखते जाना, बस सिंपल सी है। सिमिलरली आप कोस की फाइंड करोगे, ठीक है, कोस x, तो मैं बता देता हूँ कोस x की क्या होगी, वन माइनस x स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 10 बाई 10 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 12 बाई 12 फैक्टोरियल, और ये चलती जाएगी, ठीक है, तो ये होती है कोस की। सिमिलरली जितने भी फंक्शन होते हैं जो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होता है उनकी किसी की भी आप टेलर सीरीज फाइंड कर सकते हो, नो डाउट, समझ रहे हो बात को, तो ऐसे इनको फाइंड करना होता है, टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है ना, तो ओके, तो बस यही है हमारा आज का लेक्चर, टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे हम फाइंड करें f of x is equal to 1 by x plus 1, क्या x plus 1, इसकी हम चाहते हैं x बराबर 0 के राउंड, x बराबर 0 के राउंड, यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज चाहते हैं, स्पेलिंग मेरी मिस्टेक याद नहीं रहा, मैक्लॉरिन सीरीज चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम f of x, इसका डेरिवेटिव चाहिए पहले तो इसका, ठीक है, f dash x क्या आ जाएगा, तो माइनस वन अपॉन x प्लस वन का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये डेरिवेटिव हो गया, ट्रिपल डेरिवेटिव, माइनस टू अपॉन x प्लस वन का क्यूब, f ट्रिपल डेरिवेटिव, तो तीन दूनी छह हो जाएगा, माइनस छह या फिर थ्री फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय x प्लस वन की पावर चार, और f का 4 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे 4 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि
सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस नहीं आएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा आपकी बार, क्योंकि एक बार माइनस फोर उतरेगा, एक बार फिर अगली बार माइनस फाइव उतरेगा, तो प्लस प्लस हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव करके देख लो, कुछ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन की पावर फाइव, और पांच बार करोगे तो माइनस फाइव फैक्टोरियल और डिवाइड बाई एक्स प्लस वन की पावर सिक्स, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो हमारा एक्सपेंशन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स यानी कि वन बाय एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा। सबसे पहले एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करोगे एक्स किसका, वन आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो यानी कि वन। फिर क्या है, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो माइनस वन, तो माइनस वन और बाई वन फैक्टोरियल और इंटू में एक्स आता है, ठीक है। फिर क्या आएगा, एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो यानी कि यहाँ पे वैल्यू एक्स की जीरो पुट करोगे तो वन, यानी कि टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश बाई टू फैक्टोरियल होता है ना, और एक्स स्क्वायर। फिर क्या आएगा, एक्स क्यूब, सॉरी एफ का थ्री टाइम डेरिवेटिव एट जीरो, तो माइनस थ्री फैक्टोरियल और डिवाइड में यहाँ पे जीरो प्लस वन यानी कि वन का पावर फोर यानी कि वन होगा, यानी कि माइनस थ्री फैक्टोरियल, माइनस थ्री फैक्टोरियल, और एफ ट्रिपल डैश बाई थ्री फैक्टोरियल होता है, इनटू में एक्स क्यूब प्लस फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल एक्स की पावर फोर माइनस फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल एक्स की पावर फाइव, और ये चलता जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये फैक्टोरियल है सब कट जाएंगे, तो हमारे पास इसका एक्सपेंशन आ जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर फाइव, अल्टरनेट साइन आता रहेगा माइनस का, समझ रहे हो ना, और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस वन की पावर एन और एक्स की पावर एन, और जहां पे एन जीरो टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। और वैसे आप इसका एक्सपेंशन आई थिंक 12th या छोटी स्टैंडर्ड क्लासेस में आपने देखा है क्या, इसको हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसकी पावर यानी कि वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन लिखते हैं इसको, इसको ऊपर लाके ये तो लिखेंगे ना, इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, और इसका एक्सपेंशन आपने देखा हुआ है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर चार माइनस एक्स की पावर पांच, और ये चलता है, सेम आता है, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी इन जनरल फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो बात को। तो ये आज का लेक्चर था।